हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप पहली बार मां बनने वाली हैं तो इन फूड्स का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। जब माँ बनना बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, जब पहली बार अपनी खोज से निकला अंश अपनी बाहों में कोई महिला लेती है तो उसका सुख बस वही समझ सकती है। इतना ही नहीं, वह जिस दर्द को सहन करती है वह दर्द शायद कोई पुरुष झेल पाता हो, पर जब कोई महिला माँ बनती है तो बच्चे के कोख में आने से लेकर उनके जन्म के 6 महीने तक उसका शरीर बहुत ही नाजुक होता है, जिसके कारण उसका खान पान ठीक से होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि महिला पहली बार माँ बन रही है उसको किन चीज़ों का सेवन अवश्य करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। ओट्स। ओट्स में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है जो मसल्स टिश्यू के लिए आवश्यक होते हैं और बच्चों के विकास के लिए लाभकारी होते हैं। ओट्स में फाइबर भी होता है जो शरीर के टॉक्सिन्स को फ्लश करने में मदद करता है। दूसरा है मिल्क। मिल्क में प्रोटीन उच्च मात्रा में होता है। दूध में कैल्शियम और विटामिन B12 होता है जो प्रेग्नेंट महिला के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। यदि आप पहली बार माँ बनने वाली हैं तो आप मिल्क का सेवन जरूर शुरू कर दें। अगला है अंडा। अंडा में विटामिन D होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है। जो महिला पहली बार माँ बनने वाली होती है उनके लिए अंडे का सेवन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अगला है राजमा। राजमा में फाइबर के साथ साथ आयरन भी होता है जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। ब्रोकली में विटामिन B होता है जो शरीर में नए सेल्स को बनाता है। इसीलिए यदि आप एक गर्भवती महिला हैं या प्रेगनेंसी के दौरान आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप एक प्रेग्नेंट महिला हैं और प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बताए हुए इन फूड्स का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।